रणदीप एक बहुत अच्छे नेता हैं और मैं समझता हूँ, वैसे एक जिसको मैं ब्रेन बैंक कहता हूँ हमेशा, ऐसे आदमी का राज्यसभा में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो राजस्थान के विधायकों से मेरी प्रार्थना है कि भाई हर चीज़ को छोड़ के मेरिट के आधार पे भाई रणदीप सुरजेवाला को वोट दें। तो हरियाणा के विधायकों से भी, कांग्रेस के विधायकों से कोई प्रार्थना करना चाहिए? उनके अंतरात्मा की बात सुने। तो अब आगे कुलदीप बिश्नोई क्या बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ रहे हैं? तमाम दूसरे विकल्प भी क्या आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से बहुत स्ट्रांग कांग्रेस में रहा हूँ और मेरे पिताजी कांग्रेस की पहचान हरियाणा में चौधरी भजनलाल परिवार रहा है, तो मैं जन्म जात से कांग्रेस ही हूँ, मेरा किसी और से कोई बात नहीं। तो अभी क्या संवाद की स्थिति पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी आला कमान और गांधी परिवार के साथ, ये मान लिया जाए? नहीं, देखिए, मैं राहुल जी के मिले बगैर मैं कोई अगला फैसला नहीं उठाऊंगा। और राहुल जी विदेश में है जब से बात मेरी चल रही है और मैंने कोई समय नहीं मांगा है उनको। अगर मेरी जरूरत है मुझे जरूर बुलाएंगे और मुझे कहा गया है कि 8 या 9 तारीख को राहुल जी मुझसे मेरी मुलाकात हो। उदयपुर चिंतन शिविर के लिए भी आपका टिकट राहुल गांधी ने फाइनल किया था लेकिन आप नहीं पहुंचे? हाँ, बिकॉज मैंने कहा कि निसंदेह मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ, तो जब तक कि हम बिल बैठ के बात नहीं कर सकते, मैं किसी कांग्रेस, मैं या मेरा कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी किसी प्लेटफॉर्म पे हम खड़े नहीं हूँ। तो आपका खुद का निर्णय राज्यसभा को लेकर अभी फैसला कर लिया क्या करना है? नहीं, मैंने फैसला नहीं किया और वोट डालना मेरा अधिकार है, मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डालूंगा, किसी कहने से नहीं डालूंगा।